मीशो से वेडिंग सीरीज जो स्टार्ट की थी उसका थर्ड वाला वीडियो के लिए वेट कर रहे थे ना, आपका वेट होता है ओवर, क्योंकि मैं आ गई हूँ लेके आप सबके लिए अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार मेरे हाथ में नहीं आ रहा, आप बस समझ जाना कि हाँ पूरे टोटल 10 आउटफिट्स हैं अगेन फ्रॉम मीशो, और इनकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा आपकी शादियों में पहनने के लिए काम आने वाला है, वाले हैं कीप और किसको हम करने वाले हैं रिटर्न। सो हाय गाइस, दिस इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू सुपर शर्मा गर्ल्स। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके वीडियो को, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। बट उससे पहले एक ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी आने वाली और भी सीरीज आप सब बहुत आराम से देख सको और शॉप कर सको। वन मोर थिंग, जल्दी से जाके ये सारी चीजें ले लेना जो भी आप सबको चाहिए होगा, लिंक मिल जाएगा इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। सबसे पहले मैं ये वाला अनबॉक्स करती हूँ, मैंने कोई भी अनबॉक्स नहीं किया है तो आप सबके सामने ही अनबॉक्स करूंगी और ट्राई एंड टेस्ट करते हैं इनका। जो इनकी प्राइस वगैरह होगी वो सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप देख लेना। ये देखो सबसे पहले ये वाइट कलर का है कुछ, और इसकी फटी हुई इसी पैकेजिंग है, आई थिंक ये मुझे कहीं रॉन्ग तो नहीं रिसीव हो गया ना, मीशो में इसी चीज़ का तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। ओके नहीं ये रॉन्ग नहीं है, बट जैसा पिक्चर में दिखाया गया, ओके नहीं ये रॉन्ग नहीं है, बट जैसा पिक्चर में दिखाया गया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, आप भी देखो। पहले इसमें ऐसा कुर्ता रिसीव हुआ है जो जॉर्जेट मटेरियल का मिला है, ओके ठीक लग रहा है मुझे, उसकी क्वालिटी वगैरह सही लग रही है। मैं डर 3/4 स्लिप्स मिल जाती है इसमें, जो आपको वर्क मिलता है ना पूरा ये थ्रेड का वर्क है और बहुत ही ज़्यादा फाइन सी ऐसे इसके स्टिचिंग है, मतलब निकल निकल नहीं रहा है मुझे तो फाइन दिख रहा है, और ऐसे यहाँ पर पूरा योग पार्ट भी मिल जाता है और नीचे ये मतलब ऐसा मुझे लुक दे रहा है जैसे चिकनकारी वाली कुर्ती हो, ऐसे पूरा आपको एक कलियों वाला नारकली मिलता है इसमें, आपको पूरा वही थ्रेड की ही एम्ब्रॉयडरी की गई है नीचे नीचे पे, ऐसे पूरे इसके बॉर्डर पे डिज़ाइन है। स्लिप्स आपको प्लेन मिल जाती है, अंदर इनसाइड आपको इसमें इनर वगैरह मिल जाता है, इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी सी है, और इसका जो कलर है वो कलर ऐसे मस्टर्ड येलो मिल रहा है मुझे, ये वाला कलर सही लग रहा है। चलो इसको और देखते क्या क्या मिलता है। ओके इसमें आपको कोई पैंट नहीं मिलता बल्कि एक फैब्रिक मिलता है, क्या ही सीन है ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो इसके साथ ऐसा फैब्रिक मिल जाता है, ना तो कोई दुपट्टा है ना कुछ भी है, यार क्या ही है ये, ना पैंट है ना दुपट्टा है, ये चीज उसकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या इन्होंने पैंट सिलने के लिए फैब्रिक दिया है या इसको दिया है कि साइड साइड में आप पीको करवा के दुपट्टा ले लेना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसका कि क्या ही सीन है। एक सेकंड आपको इसका एक लुक दिखाते हैं, बाकी हम डिसअपॉइंट, पहली बात तो डिसअपॉइंटमेंट मिली कि इसका पूरा पार्ट ही रिसीव नहीं हुआ, दूसरी लुक लग रहा है ऐसे, अगर आप इसको गाउन जैसे पहनना चाहो ना तो पहन सकते हो, बट क्योंकि इसका कंप्लीट सेट नहीं आया तो वो चीज़ थोड़ी मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है। बाकी इसे ऑलरेडी बहुत बड़ा साइज था अवेलेबल तो बड़े साइज पे गई थी, इसलिए ये ऐसा लूज सा है। इन सामने साथ इसका लुक देख लो, अगर आपको इसका लुक पसंद होता है तो इसको ले सकती हो, बस वही है कि आपको वैसे पैंट की नीड नहीं है बट एटलीस्ट दुपट्टा देना चाहिए था, या तो ये वाला इसको गाउन जैसे इसको प्रेफर किया जा सकता है, मुझे मटेरियल क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद चुभ नहीं रहा तो बाकी सही लग रहा है। आपको इसका पूरा लुक दिखा दिया, फटाक से अनबॉक्स करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड इस बार ना हो ऐसा कुछ कि पैंट ही मिसिंग है या दुपट्टा मिसिंग है। ये वाला है ग्रीन कलर में और काफ़ी सिंपल सा मुझे ये पिक्चर में देखने में लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था ऐसा। अभी देखते हैं कि कैसे इसका जो पूरा प्रिंट है ये फॉइल प्रिंट है गोल्डन कलर का, और ये निकल ना जाए मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं निकलने जैसा लग तो नहीं रहा सके, निकलेगा पूरा ग्रे कलर का। आपको ये वाला अनारकली सेट मिल जाता है नेक कुछ ऐसा है इसका, पूरा रेयन फैब्रिक मिल जाता है, इनसाइड आपको लाइनिंग वगैरह से कुछ भी नहीं मिलती है, स्लीव्स आपको मिल जाती है ऐसे फुल स्लीव्स के एंड में भी ऐसे वही गोल्डन कलर के पूरी प्रिंट्स बने हुए हैं। मुझे इसका फ्लेयर तो काफ़ी सही लग रहा है एंड आई एम श्योर ये पहनने के बाद एक सही लुक प्रोवाइड कर देगा। और इसके साथ हमें मिल जाता है ये वाला दुपट्टा, दुपट्टा भी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लेंथ और विड्थ का है, इसके साथ अंदर आपको कोई पैंट नहीं मिलती, ओके दुपट्टे का मुझे देखने में तो लग रहा है कि इसमें काफी ज्यादा आपको फ्लेयर मिल जाएगा। जल्दी से हम इस वाले को ट्राई करते हैं और इसका लुक देखते हैं। मैंने जब इस वाले को देखा था मुझे ऐसा लगा था कि इसकी लेंथ वगैरह काफी कम रहने वाली है तो उस तरह से इसका लुक होगा, बट मुझे सही लग रहा है, मतलब इसकी लेंथ भी आपको प्रॉपर फुल लेंथ में एक गाउन वाली ड्रेस मिल जाती है, सो मुझे सही लग रहा है ये वाले के साथ कोई प्रॉब्लम। मैं फ्रंट एंड बैक लुक आपको जस्ट दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट है तो उस चीज़ का ध्यान में रखना, ये वाला भी जो जो है ना उसको आपको बताती जा रही हूँ, इसीलिए बाकी फिट लुक सही लग रहा है, फिटिंग भी बिल्कुल सही आई है। और देख ऐसा फ्रंट से मतलब इसका लुक एक ऐसा गाउन आप इसको प्रेफर करो, मतलब पहनोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, इवन जो मतलब न्यूली मैरिड बहुत ही अच्छी लगी, अभी नई नई शादी हुई है ऐसे फुल ड्रेसेस ए लाइन ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं लोगों के ऊपर।
इसमें एक अच्छा आपको फ्लेयर भी मिल जाता है। मुझे इसके फ्लेयर की वजह से ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आई है, फैब्रिक वगैरह भी, क्योंकि रियान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई लव दिस वन। ओके मूविंग, चलो हमारा नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए मैं, चलो ये वाला बॉक्स पड़ी, वैसे इसमें काफी सारे छोटे छोटे से भी पार्सल्स हैं, उनको भी देखते हैं इतना छोटा आया कहीं उसके साथ फ्रॉड तो नहीं होगा कि क्या ही हो गया। वैसे ये लोग पैकेट में इतनी अच्छे से पैकेजिंग भी करके देते हैं ना, कितने छोटे से आ जाता, हम लोगों से इतना बने ना। ये है नेक्स्ट वाला हमारा आर्टिकल, मैरून कलर का। एक सेकेंड में आप सामने मेरी भाभी बैठी है, उनको पसंद आ गया ये वाला, जितने भी अनबॉक्स करती जा रही है सारे इनको पसंद आते जा रहे हैं। वो थी ये किसी को नहीं देना, ये मेरे को देना है, ये किसी को नहीं देना, ये मेरे को देना है। देखो ये आपको स्ट्रेट फिट में पूरा कुर्ता मिल जाता है, योग पार्ट में इसके आप देखो बहुत ही ज्यादा ऐसे फाइन से। एक सेकेंड, ये वाला रियल मिरर मिल जाता है, ये वाला, और ये फॉइल मिरर है, बाकी पूरा मशीन का वर्क है, यही एम्ब्रॉयडरी है मतलब कलरफुल से थ्रेड्स के साथ में, और फैब्रिक इसमें रेयन है, और इसमें आपको कोई इनसाइड लाइनिंग नहीं मिलती है। बट आई थिंक क्योंकि इसका योग पार्ट भी इतना ज्यादा भर के काम है, तो आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होने वाला। नीचे पे एक बहुत ही ज्यादा क्यूट से थिंग मिल जाती है ऐसे पॉम पॉम स्टाइल में, और मैरून कलर भी नहीं है, सॉसी रेड कलर है। इसके साथ में मिलता है बहुत क्यूट सा ऐसा शिफॉन फैब्रिक का दुपट्टा, उसके भी ऐसे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है इसका मुझे, ऐसा पूरा पीच कलर का और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में। ये वाला देखो नीचे ऐसे पॉम्पॉम मिल जाते हैं, इसमें बहुत ही क्यूट है जो कि, और इसके पैंट का भी फैब्रिक सही मिलता है। वैसे भी रेयन फैब्रिक काफी कंफर्टेबल होता है, मतलब ऐसा सही रहता है स्किन पे भी, बहुत कंफर्ट सा फील करवाता है, और सही लग रहा है मुझे इसका भी पैंट भी, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये टाइट वाइट सा नहीं होने वाला। नीचे पे ऐसी डिटेलिंग है इस वाले में भी। चलो इस वाले का भी लुक एंड फिट देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब कंफर्ट भी है इसमें, कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया, देखो कुछ ऐसा इसका लुक लग रहा है। इसकी सबसे ज्यादा क्यूट चीज मुझे लग रही है, मतलब तो इसका कलर इतना कॉम्बिनेशन तो प्यारा लग रहा है, सबसे क्यूट इसकी ये वाली चीज जो है ना नीचे पे रह रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला सूट, इसमें ना कोई कमी है ना तो उसके साइड को लेकर प्रॉब्लम है, ना तो फिट को लेकर प्रॉब्लम है, और ट्रांसपेरेंट भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि योग पार्ट इतना हैवी, इतना अच्छा सा वर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला बिल्कुल आप ले सकते हो, आई लव दिस वन, बहुत ही अच्छा सा सिंपल सुपर डे टू डे लाइफ के लिए, इवन आपको ऐसे पूजा वूजा में पहनने के लिए ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा। आपको देखने के लड़के वाला है उसके लिए बहुत अच्छा सूट पीस है ये वाला, बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, आई लव दिस वन, पीछे दिखाती हूँ। बट नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ जो कि मैं अब ये वाला अनबॉक्स करती हूँ, ये है अगेन एक पीच कलर का, इसका जो योग पार्ट में वर्क है मुझे तो ये जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया वैसा सा ही लग रहा है। इसे इतने सारे ऑर्डर कर लिए कि मुझे अभी याद भी नहीं है कि कौन सा है कैसा है। ये देखो, ओके हाँ, ये अनारकली पैटर्न में ही मिल जाता है, इस तरह का मैंने आई थिंक आप सबके साथ लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया हुआ है, येलो इन कलर में। पूरा इसका जो प्रिंट आपको मिल जाता है चुनरी प्रिंट में मिल जाता है ऐसा पूरा व्हाइट कलर का, और इसका भी फैब्रिक आपको रेयन मिलता है, इसमें भी आपको अंदर इनसाइड लाइनिंग नहीं मिलती है, बट ये वाला भी आई थिंक ट्रांसपेरेंट नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस योग पार्ट। ऐसा पूरा आपको फॉइल्स मिरर और ये गोल्डन, नॉट गोल्डन, सिल्वर कलर के बहुत सी ऐसी फाइन से इसकी स्टिचिंग हो रखी है ऐसे, इसके स्लीव से आपको गोटा पट्टी मिल जाती है, और नीचे पे भी गोटा पट्टी, कुछ इतना सा आपको फ्लेयर मिल जाता है, ज्यादा नहीं है बट कलियों वाला ऐसा अनारकली है। मुझे लग रहा है कि पहनने के बाद सही लगेगा, मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट सा कलर है काफी तो ठीक। और इसके अंदर आपको मियानी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा एक सपोर्ट होता है पैंट्स में, तो वो चीज़ एक सही है। बहुत ही कम ऐसे आउटफिट्स होते हैं जिनमें हमें ये चीज़ मिलती है, इसका भी मुझे लग रहा है कि ऐसा लूज सा फिट होने वाला तो सही रहेगा। दुपट्टे इसमें भी आपको मिल जाता है शिफॉन फैब्रिक का, साइड में वही लहरिया ऐसे इसका पैटर्न है, और साइड में गोटा पट्टी मिल जाती है। चलो ये वाले को भी देखते हैं इसका लाइट सा कलर क्या कमाल करता है। मुझे थोड़ा सा फिटिंग में इसकी प्रॉब्लम मिलती थी, थोड़ा सा मुझे ये लिटिल बिट लूज लग रहा है, लिया तो मैंने एम में था बट आई डोंट नो कैसे ये लूज हो गया, बाकी लुक इसका सही लग रहा है, और इसका जो कलर है वो इतना ज्यादा लाइट है उसके हिसाब से मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट के साथ में, क्योंकि ऐसा एकदम ऐसे पीची सा पिंक वाला आप इसको कह सकते हो कलर, बहुत प्रिटी लग रहा है, और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है तो उसके लिए भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मेरे को देखो इतनी लेंथ आ रही है कुछ इसके ऐसे सामने से, प्लाजो उसका काफी ज्यादा लंबा लगा, थोड़ा मैं इसको फोल्ड करके एंगल इन बनाए क्योंकि इसके साथ में ऐसा ही लुक अच्छा लगता है, और बैक से मैच भी खा रही हूँ ऐसा लग रहा है। इसकी फिटिंग के साथ ही मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा लूज है बट सही है, क्योंकि ब्रेदेबल सा रहता है, कंफर्ट ज्यादा लगता है, थोड़ा सा लूज है, एकदम फिटेड कपड़े में भी मजेदार नहीं आते। सो ठीक है, अगर आपको पसंद आता है कंसिडर कर सकते हो, इस वाले के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला देखते हैं इसमें क्या रिसीव होता है। मोस्ट ऑफ द आइटम्स मैंने मंगवाए हैं अनारकली, कुछ स्ट्रेट फिट में भी हैं, अगर आपको मतलब किसी भी फंक्शन के हिसाब से कंसीडर करना है तो कर लो। मेरे से मीशो से मैंने सारे छांट लिए, मुझे लगता है कि इसके बाद और भी अनारकली कुछ होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखो, ये मिलता है आपको मैरून कलर में, इसका जो फैब्रिक मिल जाता है वो टेरिकॉट है, टेरिकॉट ब्लेंड फैब्रिक, और देखो
कुछ ऐसा सा लग रहा है पिक्चर में। आप मेरे को याद आ गया, पिक्चर में देखने में ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मुझे, ये उस तरह का तो मुझे नहीं लग रहा है कि सेम वैसा है। ऑब्वियसली जैसा मतलब पिक्चर में दिखाया गया था उसका ड्यूप है ये वाला। देखते हैं अभी पहनने के बाद कि ड्यूप कितना कैसा इसका लुक रहता है। अभी मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ, टेरिकॉट फैब्रिक है, इनसाइड आपको लाइनिंग भी मिल जाती है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा कल स्लीव नहीं है, सिंपल प्लेन से स्लीव है। इसमें आपको ऐसे कलियों वाला अनारकल मिल जाता है, कुछ ऐसा सा इसका फ्लेयर है, अंदर इनसाइड आपको लाइनिंग वगैरह प्रॉपर पूरे में मिल जाती है यहाँ तक, और इसमें पूरा ऐसे फ्लावर के प्रिंट बने हुए हैं। ठीक लग रहा है मुझे, पर जितना है इसके अंदर आपको सिर्फ ऐसा दुपट्टा मिल जाता है। ओके, तो देखती हूँ पहनती हूँ फिर आपको इसके बारे में मतलब बात करते हैं, जल्दी ट्राई करते हैं इसका लुक। और ये अनारकली ड्रेस नहीं है, ये एक गाउन ड्रेस है जिसमें पैंट नहीं है, बट इसका लेंथ ही आपको इतना प्रॉपर मिल जाता है कि पैंट की कोई नीड नहीं है। और फिटिंग वगैरह मुझे थोड़ी सी लूज लग रही क्योंकि शायद मैंने इसमें बड़ा साइज ही ऑर्डर कर लिया था। स्क्रीन पे मेंशन कर दूं कि आपको जो भी साइज होगा, बाकी मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था इसका लुक थोड़ा सा डब्बल ऐसा ना लगे ये जिसकी कलियां हैं, बट नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हो। आप वो मत समझिए कि जस्ट मतलब ओरिजिनल इमेज को खरीदी नहीं, वो कोई डिजाइनर सूट था उसका ड्यूप ये वाला है, तो ड्यूप की मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ठीक लग रहा है। मैं आपको बैक सेट का लुक दिखा रहा हूं, ऐसा लग रहा है। अभी वाला बंद कर दीजिए वाले आर्टिकल की तरफ जो कि है ये वाला, फिर से अनबॉक्स करते हैं। अब ये वाला क्या है, ऐसा है, इसकी आप इमेज देखो और इसका प्राइस वगैरह देखो। मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ तब तक। वाओ, इसका कलर और इसका पैटर्न बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ ऐसा सा इसमें आपको डिजाइन मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है नायरा कट में, आई थिंक नो मतलब वाओ यार, इसका मतलब थोड़ा सा एक अलग पैटर्न लग रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन। ये इसका जो प्रिंट है और मतलब इसका पैटर्न डिजाइन मुझे काफी सही लग रहा है। देखो ऐसा पूरा योग पार्ट है, ऐसे आपको सीधी एक पट्टी मिल जाती है जिसमें आपको फॉइल्स मिरर मिल जाते हैं और बहुत ही छोटे से सीक्वेंस लगे हुए हैं, बहुत ही छोटे से सितारे और थ्रेड्स का वर्क है। और बाकी फैब्रिक इसका सही लग रहा है, कॉटन फैब्रिक भी मिल जाता है, बहुत सही लग रहा है। इसके अंदर बहुत ही ऐसे फाइन फाइन से गोल्डन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और यहाँ तक ऐसा योग पार्ट, यहाँ पे आपको टैसल्स मिल जाती है पीछे पे टाई अप करने के लिए। कितनी क्यूट लग रही है यार, बहुत अच्छे तरीके से इसका डिजाइन बनाया गया है। बोथ साइड पर नहीं है, सिर्फ एक साइड पर है। एक साइड का किसी ने नोच लिया क्या? एक साइड का गाया वैसे एक साइड पर मिलता है गाइस, आप इसको तोड़ के आप भी इसको अपने चोकर वोकर बना लेना क्योंकि बोथ साइड पर है ही नहीं। तो यहाँ से आपको ये ऐसा पैटर्न मिल जाता है, मुझे इसका पैटर्न सही लग रहा है। मतलब यहाँ से योग पार्ट तक ऐसा फिर ऐसा आपको मिलता है, फ्रिल्स टाइप में इसका पैटर्न बनाया गया, कुछ फ्लेयर भी इसमें ठीक ठाक लग रहा है मुझे ये मतलब है। कलर कॉम्बिनेशन स्पेशली मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम श्योर पहनने के बाद भी सही लगने वाला। कोई भी पैंट नहीं मिलता यार, पैंट दे देते तो चार चांद लग जाते इस वाले पीस में, बस वहीं पे कटौती करके थोड़ा मूड ऑफ कर दिया इन लोगों ने। बाकी नेक्स्ट मतलब इसके साथ ऐसा दुपट्टा मिल जाता है वही शिफॉन फैब्रिक, आज के ज़्यादातर जितने भी अनारकली यही आपको फैब्रिक का पैटर्न का दुपट्टा मिलता है। चलो पहनते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है। ऐसा लग रहा है इस वाले का लुक, बस एक ही कमी है इस वाले में कि इसमें पैंट नहीं है, बाकी इसमें मुझे और कोई कमी नहीं लग रही है। इसका लुक भी मुझे सही लग रहा है, ये वाला इसका पैटर्न बहुत सुंदर लगा क्योंकि मैंने आज तारीफ की थी पहनने के बाद, इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा पहनने के बाद। देखो फिटिंग वगैरह भी इसकी सही लग रही है मुझे, एम साइज में लिया था, थोड़ा सा लूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस वाले में। दुपट्टा भी इसका इतना ज़्यादा शानदार है, इतना लाइट वेट है ना, मुझे ये वाला सूट भी बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है इस वाले के साथ में मतलब अदर कलर की पैंट, व्हाइट कलर की पैंट के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ नहीं है, तो कंसिडर कर सकते हो। आई लव दिस वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटू सा ऐसे पैकेट, ऐसा लग रहा है इसमें भर के रुमाल आ गई है क्या। ऑरेंज कलर का है, इसमें तो ऑरेंज केयर्स नाम का पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो ऐसा है। ओके, आई थिंक ये शरारा है जो मैंने शेखा दो मतलब शरारा भी मंगवा लिया क्योंकि शरारा यार बहुत अच्छा लगता है मुझे। शर्ट मिल जाती है जिसको आप चाहो तो बेल्ट जैसा स्टाइल करो, और अगर नहीं मूड है तो चाहो तो ऐसे चोकर जैसे, वैसे ये चोकर पहनने थोड़ा सा अजीब तो नहीं लग रहा, वैसे ये यहाँ तक नेक है तो ठीक है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा चोकर जैसा। आई थिंक ये बेल्ट ही बेल्ट में ही काम कर लेना, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो ये बेल्ट मैंने आपको दिखा दी, और इसमें आपको मिलता है ये वाला कुर्ता जो स्लीवलेस है और कॉलर के साथ में, कितना सही लगता है मुझे। मतलब आप बहुत टाइम से अगर मेरा हॉल देख रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा मुझे कॉलर वाली चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। वाओ, इसमें फ्लेयर भी अच्छा खासा मिल जाता है, इसका जो कलर आपको मिलता है ऑरेंज कलर का मिलता है, और ये वाला ऑरेंज कलर भी बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने ऐसे शरारा वगैरह शेयर किए हैं आप सबके साथ तो मुझे पसंद आया था। फैब्रिक इसमें भी आपको मिल जाता है रेयन, और इनसाइड लाइनिंग वगैरह नहीं है तो आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट होने वाला है क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, तो इनसाइड लाइनिंग वगैरह देखना ही पड़ेगा। और देखो इसे फ्लेयर तो मुझे अच्छा खासा लग रहा है, और इसमें क्या रिसीव होता है, पैंट मिलती है सेम फैब्रिक की, ऐसी पैंट मिल जाती है, इसमें आपको मियानी वगैरह मिल जाती है तो ये भी ठीक है, लूज फिट होने वाली है, सही लग रहा है। और इसके साथ में ये दुपट्टा मिलता है वही टिपिकल इसका दुपट्टा, कितना क्यूट लग रही है ये वाली, इसकी जो ये ऐसे पूरी टैसल्स लगी हुई बहुत क्यूट लग रही है, वही शिफॉन फैब्रिक में ही है ये वाला भी। चलो ये वाले को भी जल्दी से पहनते हैं और फिर देखते हैं।
गाइस कुछ ऐसा लग रहा है इस वाले का लुक, और मुझे पता नहीं क्यों ये जो मैंने यहाँ पे बेल्ट लगा रही है इसका लुक मुझे सही नहीं लग रहा। विदाउट बेल्ट मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो, सॉरी अभी देखो, हाँ विदाउट बेल्ट ये थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा है, मुझे ज्यादा सही लग रहा है। बाकी लुक कंफर्ट इसमें भी है, थोड़ा सा आपको लिटिल बिट ये वाला भी ट्रांसपेरेंट है उस चीज का आप ध्यान रखना, फिर वो बड़ा नीम फुकुर फुकुर किए पड़ा है बाकी मुझे फ्लेयर वगैरह भी इसमें भी सही लग रहा है। मैं आपको बता दूँ इसका फैब्रिक मैंने आपको पहले बता दी, सब कुछ पहले बता दिया, पहनने के बाद इसका कलर कॉम्बिनेशन और ये पूरा इसका फिट दुपट्टे के साथ में। चार पार्सल्स बचे हुए हैं, फटाक से उनको अनबॉक्स करके आप सबको दिखाती हूँ ऐसा सब हुआ है। और ओके आई थिंक ये वो वाली ड्रेस है, ये ना तो कोई अनारकली थी और ना ही कोई ऐसा स्ट्रेट वाला कुर्ता था, मैंने ऐसी एक ड्रेस ऑर्डर की थी, देखते हैं ये वही है या नहीं। हाँ ये वही है, ये वाली ड्रेस मेरे को इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब स्टाइलिश लग रही थी, उसका प्राइस भी मुझे सही लग रहा था ऐसे आसपास पहनने के लिए, कहीं भी किसी भी ऐसे छोटे मोटे फंक्शन या कुछ भी, वेडिंग के अलावा भी तो बहुत से फंक्शन हैं उन सब में, और इवन आप किसी की बर्थडे पार्टी में भी इसको स्टाइल कर सकते हो। उसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे सही लग रहा है, मतलब जैसा मुझे पिक्चर में लग रहा था वैसा ही लग रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर में ज़्यादा डार्क था, इसमें थोड़ा सा लाइट है। इसके प्रिंट्स वगैरह सही लग रहे हैं, यहाँ पे आपको बटन की डिटेलिंग मिल जाती है, यहाँ पे नहीं बल्कि इनफैक्ट आपको पूरा नीचे तक ऐसे बटन की डिटेलिंग मिल जाती है, और यहाँ पे ऐसा ऐसा वाला पैटर्न है कुछ, आपको अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं पहन के देखूंगी तब समझ में आएगा। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन मिल जाता है, मुझे सही लग रहा है ये ऐसे फैब्रिक वाइज, और बैक पे पूरा वही प्रिंट मिल जाता है, और बेल्ट के लिए इसमें कुछ ऐसे होल्स दिए गए हैं, और बेल्ट बेल्ट हाँ रिसीव हुई है, ये बेल्ट मिली हमें इसके साथ, ये वाला अकॉर्डिंग टू द प्राइस इसका फैब्रिक क्वालिटी वगैरह सही लग रहा है। चलो जल्दी से पहन के स्टाइल देखते हैं इसका कैसा लगता है। बेल्ट दिया गया है ना, सबसे पहले बेल्ट की बात बताती हूँ, इसमें इतना लूप नहीं है कि ये मेरी फिटिंग का आ जाए, देखो इतना लूज लग रहा है, इस बेल्ट को लगा के दिखाने का कोई मतलब समझ में नहीं आया मुझे, कोई भी सेंस नहीं। बाकी आप इस वाली ड्रेस को देखो, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्रिटी लग रहा है, मतलब एकदम बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है, सॉलिड मैक्सी ड्रेस कह सकते हो आप इसको, या इंडो वेस्टर्न का थोड़ा सा लुक दे रही है। इसका सबसे ज्यादा सुंदर जो मुझे पार्ट लग रहा है वो इसका ये वाला पैटर्न लग रहा है, मतलब मुझे ये ड्रेस पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, फिटिंग वगैरह इसकी एकदम परफेक्ट है, लुक इसका एकदम अमेजिंग है, फैब्रिक इसका एकदम अमेजिंग है, ना तो कहीं से ट्रांसपेरेंट है ना कुछ, और कॉटन फैब्रिक है, नॉन कॉटन मेड ब्लेंड है, आई मीन मुझे बहुत पसंद आई ये वाली ड्रेस यार, मतलब ऐसे बहुत अच्छे से आप ऐसे बीच पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, इवन कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत अच्छी ड्रेस है, मॉडर्न भी लग रही है, एट द सेम टाइम ऐसे कोई रिवीलिंग भी नहीं है, क्लासी भी लग रही है। नेक्स्ट वाला, इससे पहले कि मेरे भाई आके हल्ला पो मचा दें, चिल पो कर रहे थे वो, तो मैंने इससे पहले ही अनबॉक्स कर लिया इसको, थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा। कलर कितना प्यारा लग रहा है, तो ऊपर से देखने और पिक्चर में देखो इसको, सबसे पहले दुपट्टे के दर्शन करवाती हूँ, ऐसा शिफॉन फैब्रिक का मिल जाएगा। आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग आज का हॉल, थोड़ा एंटरटेनमेंट बना बैठी हुई हूँ, भाई भाई के पास इस प्यासी चीज़ें हो रही हैं। एनीवेज देखो ये कुर्ता मिल जाता है आपको विदाउट एनी लाइनिंग, और इसका प्रिंट, इसका कलर मुझे स्पेशली सीरियसली बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कलर्स मुझे आपको पता ही होगा मुझे ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पूरा फ्लोरल प्रिंट मिल जाता है आपको इस वाले में, ऐसे बेट्स है इसका कलर है, ऐसे ग्रीन का कॉम्बिनेशन है यार, सच अ प्रिटी एंड डीसेंट काइंड ऑफ कुर्ता सेट। और ये पैंट मिलती है, नॉट पैंट ये आई थिंक प्लाजो है, वाओ इसका प्लाजो भी मुझे यार इस वाले के साथ में ये प्लाजो का कॉम्बिनेशन यार मुझे ये वाला ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, इसका कुछ तान झान एथनिक कलेक्शन नाम है इस वाले का, मतलब टैग लगा हुआ है शॉप का ही होगा शायद। शिफॉन फैब्रिक का दुपट्टा मिलता है पिंक कलर का, बाकी ये कॉम्बिनेशन बहुत रिच और प्रीमियम क्वालिटी का मुझे लग रहा है, जल्दी से पहनते हैं इस वाले को, पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे ऐसे कलर ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं, जल्दी से ट्राई करते हैं। गाइस कुछ ऐसा उसका लुक लगा है मुझे, वैसे इसका प्रिंट और इसका पैटर्न सब कुछ सही लग रहा है, बट एक चीज अभी ठीक है, अगर प्राइस इसका कम था तो फिर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट वगैरह सही लग रहा है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे में आपको प्रिंट मिल जाता है, तो इसमें इनसाइड लाइनिंग नहीं है, उसके बाद भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फ्रंट से पूरा इसका ऐसा लुक लग रहा है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसे ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, किसी भी ऐसे मतलब आउटिंग के लिए, किसी भी तरीके से इसको स्टाइल किया जा सकता है, जहाँ पे आपको कंफर्ट की नीड है वहाँ भी एकदम परफेक्ट आउटफिट रहने वाला है। मैं बैक से इसका लुक दिखाती हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है, दुपट्टा तो इतना ज़्यादा है, इसका लाइट वेट है, मुझे सही लग रहा है, एकदम सिंपल से ओवर सूट सेट लग रहा है ये वाला, सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। टोपी है ये वाला कुछ ऐसा ग्रीन आता है, ओके ये जंप सूट है,
मैंने एक जंप सूट मंगवाया, मतलब मुझे ना इसका जो प्रिंट है ये इतना ज्यादा एथनिक और ट्रेडिशनल लग रहा था, और मैंने जब इसको मीशो में देखा मैंने कहा यार ये तो मुझे ट्राई करना ही है, क्योंकि ये ना ऐसे मतलब शादी के फंक्शंस में भी काम आ जाएगा, और आप इसको ऐसे छोटे मोटे फंक्शन वेडिंग सॉरी नॉट वेडिंग बर्थडे पार्टी में या कहीं आने जाने में ट्रैवलिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो, और मुझे इसका प्रिंट काफी एथनिक लग रहा था तो मैंने कहा यार ये चीज ट्राई करनी, एकदम न्यू है, बहुत सारे सूट्स हो गए तो आप सबको आई होप पसंद आएगा। ये देखो ऐसा जंप सूट मिल जाता है हमें, इसका प्रिंट मिल जाता है आपको गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट, और ये प्रिंट मैं आपको खुड़ियत के दिखाती हूँ नहीं निकलने वाला है, यहाँ से बटन की डिटेलिंग मिल जाती है यहाँ तक इसके, आई होप यू कैन सी, और स्लीव्स आपको मिल जाती है इसमें कुछ ऐसे पफ वाली यहाँ तक, देखते पहनने के बाद वैसे मुझे लग रहा है अच्छा लगने वाला है, बाकी फिटिंग वगैरह का इशू अगर नहीं हुआ यहाँ से मुझे पूरा नीचे आपको पूरा प्रिंट मिल जाता है। ओवरऑल जैसा मुझे पिक्चर में दिखा था मुझे ये वैसा ही रिसीव हुआ है, सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन। चलो जल्दी से पहन के इसका लुक देखते हैं। ये जंप सूट बहुत ज्यादा प्रिटी है, सबसे पहले आपको बता दूं इसकी स्लीव्स बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, और इसका लुक सबसे ज्यादा तो इसका कलर हमें अच्छा लग रहा है, सिर्फ बॉटल ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, बट एक चीज मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा ना मैं ऐसे उसको पैर करूं और ये फट जाए, यू नो व्हाट आई मीन, आप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसका जो है ना साइज अप कर लेना, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं फट ना जाए, क्योंकि मतलब लाइनिंग वगैरह भी नहीं है वो चीज है, बट लुक मुझे काफी अमेजिंग लग रहा है, देखो मतलब इस टाइप का जंप सूट अभी तक आपने ट्राई नहीं किया होगा, ये मुझे थोड़ा अलग से एथनिक सा लगा, ट्रेडिशनल से उसकी वाइब दे रही थी ये वाली। पीछे से आपको लुक दिखा रही हूं, गाइस आज के इस हॉल का लास्ट वाला पार्सल, देखो आप तब तक इसका अंग रखा पैटर्न टाइप मुझे स्टाइल लग रहा था, फैब्रिक इज रियन अगेन इसका, और देखो ऐसा सा इसका लुक है, यहाँ से पूरा आपको ये प्रिंट मिल जाता है रेड कलर का और व्हाइट कलर का, पूरा ये वाला आर्टिकल मिलता है यहाँ से अंगरखा पैटर्न, स्लीव्स आपको मिल जाती है वही थ्री क्वार्टर, टैसल्स मिल जाती है साइड में ऐसे टाई अप करने के लिए, तो जैसा चाहो एडजस्ट कर भी कर सकते हो, इतना सा कुछ फ्लेयर मिलता है, फ्लेयर ज्यादा नहीं है कलियों वाला है, और सही लग रहा है मुझे ये भी, बट इसके साथ कोई भी पैंट नहीं मिलती तो मुझे सही, इसमें जिसकी लेंथ और वेट आई थिंक ठीक ही होने वाली है, यस मुझे सही लग रहा है, मुझे इसका प्रिंट कलर वगैरह सब कुछ सही लग रहा था। गाइस यही थे आज के हमारे टोटल 10 आउटफिट्स, एंड आई रियली होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा वीडियो को, और आप सबको साथ चुप रहे गाइस, यही थे हमारे आज के पूरे 10 आउटफिट्स, और आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा, और आप सबको आउटफिट्स नहीं मान रहा तू गाइस, यही था मेरा आज का पूरा हॉल।